नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। केरल से कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है। मौजूदा वक्त में भी केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन इस कम्युनिस्ट सरकार में एक कॉरपोरेट पंचायत इन दिनों अपना ध्यान देश भर में आकर्षित कर रही है। ऐसी कॉरपोरेट पंचायतों का कुल जमा नंबर जो हो गया वो 4 हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ी डिबेट हो सकती है, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक बड़ी बहस हो सकती है कि केरल में कम्युनिस्ट शासन के बीच कॉरपोरेट पंचायतें यानी कि ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतें। लेकिन अगर हम इसको किसानी के लहजे से या ग्राम विकास के लहजे समझने की कोशिश करें तो ये एक बेहद ही दिलचस्प विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज इसी पर समझने की कोशिश करते हैं कि केरल की जो ये कॉरपोरेट पंचायतें हैं ये क्या हैं, कैसे ये बनी और क्या ये मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू होना चाहिए या कितनी आवश्यकता है, और हम ये आखिरकार ये बहस है तो क्यों हो रही है कि देश में ग्राम पंचायतों को कॉरपोरेट मॉडल की आवश्यकता है। मैं इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देश के केरल की कॉरपोरेट पंचायतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देश में देश की कॉरपोरेट पंचायतों के तौर पर अगर हम लोग बात करें, 4 पंचायतें कॉरपोरेट हैं जिन्हें एक निजी कंपनी चलाती है। ये डायरेक्ट नहीं चलाती है, सीधे नहीं चलाती, अप्रोक्ष रूप से चलाती है। अगर हम लोग बात करें कि ये कौन सी है तो केरल के एर्नाकुलम की किजमक्कलम ग्राम पंचायत है, वो देश की पहली कॉरपोरेट पंचायत के तौर पर कहा जा सकता है, जिसने 2015 में क्रिटिक्स ग्रुप ने वहां पर दखल दिया था, अपना चुनाव प्रतिनिधि उन्होंने जिताया था। उसके बाद क्रिटिक्स ग्रुप इन पंचायतों को चला रही है। इसके बाद इनकी संख्या अब 4 हो गई है। 2020 में क्रिटिक्स ग्रुप ने चुनाव जीता, 3 और पंचायतों में चुनाव लड़ा और वो कुल 4 पंचायतों को चला रही है। इससे पहले तक अगर हम किस बकलम की बात करें, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का वर्चस्व था, लेकिन अब क्रिटिक्स ग्रुप चला रही है। ये एक गारमेंट्स कंपनी है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव रखती है गारमेंट्स के क्षेत्र में, और वो अब ये पंचायत प्रोक्ष रूप से चला रही है, जो काफी बदलाव भी इसने वहां पर पे किए हैं जो चर्चा का विषय बने हैं। इससे पहले जो उसके क्रिटिक्स ग्रुप पर आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद जो उसके सीईओ हैं साबू जैकब ने 2020 नामक प्रोग्राम स्थापना की और गाँव की समस्याओं का आकलन किया, और उसके बाद पंचायत के तकरीबन 36,000 लोग जुड़े, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी पंचायत में अपना दखल दिया। ये केरल की कॉर्पोरेट पंचायत का एक उदाहरण है। अब बात आती है एक जो मॉडल केरल की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में कॉर्पोरेट पंचायत ग्राम पंचायत का जो मॉडल स्टैब्लिश हुआ है ये क्या के बारे में हमने समझ लिया। अब इसकी क्यों जरूरत, क्या दूसरे राज्यों में जरूरत है, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि देश में तकरीबन 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों का जो मूल स्वरूप है वो बेहद ही उलझा हुआ है। हम देखते हैं कि यूपी और बिहार या बाकी और राज्यों में जब अगर हम बात करें पंचायतों की महत्व की बात करें, तो आजादी के बाद गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाए। पंचायतों को जिस तरीके से वो आगे लेकर जाना चाहते थे, ग्राम पंचायत को लेकर जो विजन था वो पूरा नहीं हुआ और ग्राम पंचायतें कहीं ना कहीं उस बेहाल रही। उसके बाद लंबे समय तक ग्राम पंचायतों का जो स्वर्णिम इतिहास रहा उसे नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायतों को हाशिए पर रखा। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद ही ग्राम पंचायतें आजाद भारत में एक नए स्वरूप में आई और नियमित चुनाव होने लगे, लेकिन नियमित चुनाव की जो व्यवस्था है वे भी बहुत उलझी हुई है कई राज्यों में। बेशक उस व्यवस्था में जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें ग्राम पंचायतों को कई सारे अधिकार दिए गए, 29 विषय दिए गए हैं जिसमें पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे विषय दिए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों ने वो लागू नहीं किया, राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को नहीं दिए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतें सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव की व्यवस्था के तौर पर है, जहां पर ग्राम प्रधान का चयन होता है, निर्वाचित होते हैं, चयनित चुनाव जीत कर आते हैं और वो ग्राम पंचायत ग्राम सचिव के अधीन काम करते हैं, और वो ग्राम सभा इसका मतलब सीधे तौर पर है, ऐसी ग्राम सभा जो कभी भी वो सभा जो कभी भी बुलाई जा सकती है, गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसका सदस्य होता है और वो ग्राम सभा कभी भी विघटन उसका नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक भी गांव लेवल पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ है।
ऐसे में इस तरह का जो मॉडल है ये बेहद ही सुखद मॉडल है, बेहद ही बेहतरीन मॉडल है कि ग्राम को गांव के उत्थान के लिए काम करने के लिए कॉर्पोरेट संस्थान आ गया है। क्योंकि तो हम देखते हैं कि लगातार जो हमारा रूरल इंडिया है वो लगातार आजादी के बाद से हाशिए पर जा रहा है, पिछड़ रहा है, और उसकी स्थितियां आप देखते रहेंगे कि गाँव का दायरा सिमट रहा है, शहरों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गाँव के मॉडल के सामने शहरों के एक मॉडल को खड़ा किया जाता है, लेकिन गाँव जो हमारा पुरातन व्यवस्था थी गाँव और उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो पंचायतें जिसमें पंच की व्यवस्था होती थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। ऐसे में कॉर्पोरेट मॉडल का जो कॉर्पोरेट पंचायती राज है, इनकी कॉर्पोरेट ग्राम पंचायत है, वो एक नए मॉडल के तौर पर एस्टेब्लिश हुई है। अब इस कॉर्पोरेट पंचायतों से क्या उम्मीदें हो सकती हैं अगर ये मॉडल देशभर में लागू करें या दूसरे राज्य सरकारें इनसे सीखें, तो इसके बारे में हमने तीसरी सरकार ग्राम पंचायतों पर बड़े लंबे स्तर से काम कर रहे पंचायती राज व्यवस्था को बड़ी गहरी नजर से देखने वाले प्रोफेसर सॉरी चंद्रशेखर प्राण जी से बात करी। तीसरी सरकार अभियान चलाते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे मॉडल बेहद जरूरी हैं अगर वो साफ नियत से आते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट संस्थान साफ नियत से आता है, बदनियत से ग्राम सभाओं में नहीं आता है, तो गांव के विकास के लिए यानी कि गांव की दशा और दिशा सुधारने के लिए कॉर्पोरेटों का दखल होना बेहद ही सुखद है। क्योंकि गांव को जिस तरह के फंड की आवश्यकता है, जिस तरह की विजन की आवश्यकता है, वो नहीं है। गांव कहीं ना कहीं राज्यों के अधीन जिस तरीके से है और राज्य सरकारें भी उन गांवों को हाशिए में रखती है, ऐसे में अगर कोई कॉर्पोरेट संस्थान आता है तो वो बेहद सुखद है। हालांकि वो साथ में ये भी जोड़ते हैं कि अगर कॉर्पोरेट्स का बदनीयति पीछे छुपी हुई है तो कहीं ना कहीं वो ग्राम पंचायतों के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं भी यही मानता हूं कि अगर कोई ग्राम संस्थान, कोई कॉर्पोरेट संस्थान गांव के उत्थान के लिए इस तरीके दखल के साथ आता है, एक विजन के साथ आता है जिसमें गांव के जीवन को स्तर सुधारने के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि सीएसआर का बड़ा पैसा कोई भी संस्थान बाहर खर्च करता है, और ऐसे में अगर ये व्यवस्था सीधे तौर पर सीधे दखल के तौर पर होती है, ग्राम सभाओं में इस तरह चलती है, तो कहीं ना कहीं गांव सभा को विकास होगा। हालांकि केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरफ बेहद काम हो रहा है, हालांकि वो व्यवस्था पंचायती राज के अधीन नहीं हो रही है, वो सहकारिता के अधीन हो रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां पैक्स बनाई जा रही है, पैक्स को वो सारे विषय देने की योजना है जो कहीं ना कहीं ग्राम सभा यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें था, तो उसमें जिसमें ऐसे भी विषय है कि ग्राम पैक्स जो है वो जमीन जो है अपनी किसी को गोदाम बनाने के लिए किसी कंपनी तक को दे सकते हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ आ रहे हैं, वो किसानों को पैसे उधार तक दे सकते हैं। तो ऐसे में बेशक पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों का वो स्वरूप नहीं होगा, लेकिन अगर पैक्स को वो अधिकार मिलते हैं तो गांवों को एक नई दिशा मिल सकती है। ये हमारी कोशिश थी देश के कॉर्पोरेट पंचायत पर छोटी सी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।